नमस्कार दोस्तों, आज हम जनगणना 2011 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम भारत की जनसंख्या तथा छत्तीसगढ़ की जनसंख्या को डिस्कस करेंगे। आज हम भारत की जनसंख्या तथा छत्तीसगढ़ की जनसंख्या का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार यह हमारा देश भारत, यह है हमारा देश भारत। हम डिस्कस करने जा रहे हैं जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ तथा भारत की जनसंख्या का तुलनात्मक अध्ययन। यह हमारा देश भारत और यह है हमारा छत्तीसगढ़ राज्य। आज हम छत्तीसगढ़ राज्य तथा भारत की जनसंख्या का तुलनात्मक अध्ययन करने वाले हैं जनगणना 2011 के अनुसार। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या तथा छत्तीसगढ़ की जनसंख्या का तुलनात्मक अध्ययन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे भारत की जनसंख्या। इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे भारत की जनसंख्या तथा छत्तीसगढ़ की जनसंख्या। भारत की जनसंख्या तथा छत्तीसगढ़ की जनसंख्या। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे भारत की जनसंख्या तथा छत्तीसगढ़ की जनसंख्या। भारत में पुरुष जनसंख्या, भारत में पुरुष जनसंख्या, भारत में महिला जनसंख्या, भारत में पुरुष जनसंख्या, भारत में महिला जनसंख्या। जनसंख्या वृद्धि दर, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे जनसंख्या वृद्धि दर। जनसंख्या वृद्धि दर, भारत में शिशु जनसंख्या, भारत में शिशु जनसंख्या, भारत में शिशु जनसंख्या वृद्धि दर। इसी आधार पर हम छत्तीसगढ़ में डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ की जनसंख्या, छत्तीसगढ़ में पुरुष जनसंख्या, छत्तीसगढ़ में महिला जनसंख्या, छत्तीसगढ़ में महिला जनसंख्या, छत्तीसगढ़ में जनसंख्या वृद्धि दर। और इसके बाद डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ में शिशु जनसंख्या, छत्तीसगढ़ में शिशु जनसंख्या, छत्तीसगढ़ में शिशु जनसंख्या वृद्धि दर, छत्तीसगढ़ में शिशु जनसंख्या वृद्धि दर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारत की जनसंख्या तथा छत्तीसगढ़ की जनसंख्या। भारत की जनसंख्या तथा छत्तीसगढ़ की जनसंख्या। भारत की जनसंख्या तथा छत्तीसगढ़ की जनसंख्या। ध्यान दीजिएगा, भारत की जनसंख्या जनगणना 2001 के अनुसार है 121 करोड़ 8 लाख 54 हजार 977, 121 करोड़ 8 लाख 54 हजार 977, 121 करोड़, राउंड फिगर में याद रखना है 121 करोड़ 8 लाख 54 हजार 977। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या है 121 करोड़ 8 लाख 54 हजार 977, 121 करोड़ 8 लाख 54 हजार 977। जबकि छत्तीसगढ़ की जनसंख्या है जनगणना 2011 के अनुसार 2 करोड़ 55 लाख 45 हजार 198, 2 करोड़ 55 लाख 45 हजार
198, 2,55,45,198। भारत की जनसंख्या है 121,08,54,977। छत्तीसगढ़ की जनसंख्या है जनगणना 2011 के अनुसार 2,55,45,198। इसके बाद भारत में अगला हम देखने जा रहे हैं पुरुष जनसंख्या। भारत में पुरुष जनसंख्या, भारत में देखने जा रहे हैं पुरुष जनसंख्या। इसके बाद महिला जनसंख्या। भारत में पुरुष जनसंख्या है 62,32,70,258। 62,32,70,258। 62,32,62,70,258। 70,258। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ ये राउंड फिगर में पूछेगा 62,121,00,00। लेकिन आपको छत्तीसगढ़ का एग्जैक्ट फिगर याद रखना है 2,55,45,198। छत्तीसगढ़ की जनसंख्या, जबकि छत्तीसगढ़ में पुरुष जनसंख्या है 1,28,32,000। 1,28,32,895। इसके बाद देखते हैं भारत में महिला जनसंख्या। भारत में महिला जनसंख्या ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत में महिला जनसंख्या है 58,84,000। ध्यान दीजिएगा 58,75,84,719। जबकि छत्तीसगढ़ में महिला जनसंख्या है 1,27,12,303। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत की जनसंख्या 121,08,54,977। पुरुष जनसंख्या 62,32,70,258। महिला जनसंख्या 58,75,84,719। 58,75,84,719। छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या है 2,55,45,198। 2,55,45,198। पुरुष जनसंख्या है 1,28,32,895, जबकि महिला जनसंख्या है 1,27,12,303। 1,27,12,303। यहां पकड़ना है अगला जनसंख्या वृद्धि दर। अगला है जनसंख्या वृद्धि दर। ध्यान दीजिएगा, भारत की जनसंख्या वृद्धि दर है 17.69%, जबकि छत्तीसगढ़ की जनसंख्या वृद्धि दर है 22.61%। भारत की जनसंख्या वृद्धि दर है 17.69%, जबकि छत्तीसगढ़ की जनसंख्या वृद्धि दर है 22.61%। इसके बाद देखते हैं शिशु जनसंख्या वृद्धि दर। ध्यान दीजिएगा,
शिशु जनसंख्या है भारत वर्ष में 16 करोड़। शिशु जनसंख्या है भारत वर्ष में 16 करोड़, जबकि शिशु जनसंख्या वृद्धि दर भारत वर्ष में है 13.59%, 13.59%। छत्तीसगढ़ में शिशु जनसंख्या है 36,61,689। छत्तीसगढ़ में जनगणना 2011 के अनुसार शिशु जनसंख्या है 36,61,689। 36,61,689 शिशु जनसंख्या वृद्धि दर छत्तीसगढ़ में है, शिशु जनसंख्या वृद्धि दर 14.33%, 14.33%, 14.33%। ध्यान दीजिएगा, भारत की जनसंख्या तथा छत्तीसगढ़ की जनसंख्या, भारत की जनसंख्या है 121,08,54,970, पुरुष जनसंख्या 62,32,70,258, महिला जनसंख्या 58,75,84,719। जनसंख्या वृद्धि दर है 17.69, शिशु जनसंख्या 16 करोड़, शिशु जनसंख्या वृद्धि दर 13.59%। ध्यानजेगा, छत्तीसगढ़ में जनसंख्या है 2,55,45,198, पुरुष जनसंख्या है 1,28,32,895, महिला जनसंख्या 1,27,12,303, जनसंख्या वृद्धि दर 22.61%, शिशु जनसंख्या 36,61,689, शिशु जनसंख्या वृद्धि दर 14.33। इसके बाद हम देखने जा रहे हैं आगे, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं साक्षरता, पुरुष साक्षरता प्रतिशत, महिला साक्षरता प्रतिशत, जन घनत्व के बाद है साक्षरता प्रतिशत, पुरुष साक्षरता प्रतिशत, महिला साक्षरता प्रतिशत, जन घनत्व। ध्यान दीजिएगा, आगे हम जनगणना 2011 में डिस्कस करने जा रहे हैं साक्षरता प्रतिशत। लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आगे के फिगर हम याद करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं साक्षरता प्रतिशत, पुरुष साक्षरता प्रतिशत, महिला साक्षरता प्रतिशत, अगला है महिला साक्षरता प्रतिशत, जन घनत्व, लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात। ध्यान दीजिएगा, सब भारत में साक्षरता प्रतिशत है 72%, पुरुष साक्षरता प्रतिशत है 80%, महिला साक्षरता प्रतिशत है 64%, 72.99%, 80.89%, 64.63%। भारत में साक्षरता दर है 72.99%, पुरुष साक्षरता दर है 80.89%, महिला साक्षरता दर है 64.63%। छत्तीसगढ़ में साक्षरता प्रतिशत है 70%,
पुरुष साक्षरता है 80% और महिला साक्षरता है 60%। छत्तीसगढ़ में साक्षरता दर है 70.28%। पुरुष साक्षरता प्रतिशत है 80.27%। महिला साक्षरता दर है 60.24%। 60.24%। अगला है जनघनत्व। भारत में जनघनत्व है 382, जबकि छत्तीसगढ़ में जनघनत्व है 189। छत्तीसगढ़ में जनघनत्व है 189, अर्थात एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में भारत में कुल 382 लोग रहते हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में 189 लोग रहते हैं। ध्यान दीजिएगा। लिंगानुपात, भारत में लिंगानुपात है 943, जबकि शिशु लिंगानुपात है भारत में 919। छत्तीसगढ़ में लिंगानुपात है 991, जबकि शिशु लिंगानुपात है 969। ध्यान दीजिएगा। साक्षरता प्रतिशत भारत में 72.99%, पुरुष साक्षरता प्रतिशत 80.89%, महिला साक्षरता प्रतिशत 64.63%, जनघनत्व 382, लिंगानुपात 943, शिशु लिंगानुपात 919। छत्तीसगढ़ में साक्षरता प्रतिशत 70.28%, पुरुष साक्षरता प्रतिशत 80.27%, महिला साक्षरता प्रतिशत 60.24%, जनघनत्व 189, लिंगानुपात 991, शिशु लिंगानुपात 969। ये है साक्षरता तथा जनघनत्व, लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात। अगला हम देखने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति जनसंख्या, अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत, अर्थात एससी एसटी जनसंख्या तथा जनसंख्या प्रतिशत। ध्यान दीजिएगा। आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारत में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति जनसंख्या। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले देखते हैं अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या तथा शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या प्रतिशत, शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या, शेड्यूल ट्राइब जनसंख्या प्रतिशत, जनसंख्या प्रतिशत। यह है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल कास्ट परसेंटेज, शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित जनजाति जनसंख्या, अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ग्रामीण जनसंख्या, नगरीय जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या, नगरीय जनसंख्या, नगरीय जनसंख्या प्रतिशत तथा कार्य सहभागिता दर। ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ग्रामीण जनसंख्या छत्तीसगढ़ में तथा भारत में, ग्रामीण जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या, शहरी जनसंख्या, शहरी जनसंख्या प्रतिशत तथा कार्य सहभागिता दर, कार्य सहभागिता दर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यह आपका है अनुसूचित जाति जनसंख्या भारत में है 20 करोड़, जबकि भारत में अनुसूचित जाति का प्रतिशत है, जनसंख्या प्रतिशत है, अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत है 16.63%। अनुसूचित जनजाति जनसंख्या है भारत में 10 करोड़, जबकि अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत है 8.61%।
छत्तीसगढ़ में अनुसूचित, छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति की जनसंख्या है 32,74,269, 32,74,269, 32,74,269, 32,74,269, अर्थात 32,74,269, छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति की जनसंख्या है 32,74,269, जबकि अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत है 12.82%। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या है 78,22,902, अर्थात 78,22,902। अनुसूचित जनजाति प्रतिशत है 30.62%, 30.62%। ध्यान दीजिएगा, भारत में अनुसूचित जाति जनसंख्या 20 करोड़, अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत 16.63%, अनुसूचित जनजाति जनसंख्या 10 करोड़, अनुसूचित जनजाति प्रतिशत 8.61%। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति जनसंख्या 32,74,269, अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत 12.82%, अनुसूचित जनजाति जनसंख्या 78,22,902, अनुसूचित जनजाति प्रतिशत 30.62%। इसके बाद हम देखने जा रहे हैं, अगला है ग्रामीण जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या शहरी जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या शहरी जनसंख्या, शहरी जनसंख्या प्रतिशत, शहरी जनसंख्या प्रतिशत, कार्य सहभागिता दर, कार्य सहभागिता दर, अगला है कार्य सहभागिता दर। ध्यान दीजिएगा, भारत में ग्रामीण जनसंख्या शहरी जनसंख्या, शहरी जनसंख्या प्रतिशत, कार्य सहभागिता दर, भारत में ग्रामीण जनसंख्या है 83 करोड़, भारत में ग्रामीण जनसंख्या है 83 करोड़, शहरी जनसंख्या है भारत में 37 करोड़, भारत में ग्रामीण जनसंख्या है 83 करोड़ तथा शहरी जनसंख्या है 37 करोड़, शहरी जनसंख्या प्रतिशत है भारत में 31.15%, 31.15%, कार्य सहभागिता दर है 39.8%, जबकि छत्तीसगढ़ में ग्रामीण जनसंख्या है, ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ में ग्रामीण जनसंख्या है 1,96,07,961, 1,96,07,961, 1,96,07,961, छत्तीसगढ़ में ग्रामीण जनसंख्या है 1,96,07,961, 1,96,07,961, जबकि छत्तीसगढ़ में शहरी जनसंख्या है 59,37,237, शहरी जनसंख्या प्रतिशत है छत्तीसगढ़ में 23.24%, छत्तीसगढ़ में कार्य सहभागिता दर है 47.68%, 47.68%। ध्यान दीजिएगा,
भारत में अनुसूचित जाति जनसंख्या 20 करोड़, अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत 16.63%, अनुसूचित जनजाति जनसंख्या 10 करोड़, अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत 8.61%, ग्रामीण जनसंख्या 63 करोड़, शहरी जनसंख्या 37 करोड़, शहरी जनसंख्या प्रतिशत 31.15%, कार सहभागिता दर 39.8%, छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति जनसंख्या 32,74,269, अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत 12.82%, अनुसूचित जनजाति जनसंख्या 78,22,902, अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत 30.62%, ग्रामीण जनसंख्या 1,96,07,961, शहरी जनसंख्या प्रतिशत 59,37,237, शहरी जनसंख्या प्रतिशत 23.24%, कार्य सहभागिता दर 47.68%। यदि आप शहरी जनसंख्या प्रतिशत को 100% से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत। आगे हम देखने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं जन्म दर, मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर। ध्यान दीजिएगा, आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं जन्म दर, मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, मातृत्व मृत्यु दर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रति हजार जनसंख्या में गणना किया जाता है जन्म दर, मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, लेकिन प्रति लाख जनसंख्या में गणना किया जाता है मातृत्व मृत्यु दर। ध्यान दीजिएगा, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं जन्म दर, मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, मातृत्व मृत्यु दर। ध्यान दीजिएगा, प्रति हजार जनसंख्या में, प्रति हजार जनसंख्या पर, प्रति हजार जनसंख्या पर गणना किया जाता है जन्म दर, जन्म दर, प्रति हजार जनसंख्या पर गणना किया जाता है मृत्यु दर, और प्रति हजार जनसंख्या पर गणना किया जाता है शिशु मृत्यु दर, जबकि प्रति लाख जनसंख्या पर गणना किया जाता है मातृत्व मृत्यु दर का, मातृत्व मृत्यु दर का। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं जन्म दर, जन्म दर। भारत में जन्म दर है 22.1 प्रति हजार जनसंख्या पर, 22.1 मृत्यु दर है, ध्यान दीजिएगा, मृत्यु दर है 7.3, शिशु मृत्यु दर है 43, प्रति लाख जनसंख्या पर मातृत्व मृत्यु दर है 212। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रति हजार जनसंख्या पर भारत में जन्म दर है 22.1, मृत्यु दर 7.3, शिशु मृत्यु दर 43, प्रति लाख जनसंख्या पर मातृत्व मृत्यु दर 212। इसके बाद छत्तीसगढ़ का जन्म दर है प्रति हजार जनसंख्या पर 24.5, मृत्यु दर है 7.9, शिशु मृत्यु दर है 47,
प्रति हजार जनसंख्या पर, छत्तीसगढ़ में प्रति लाख जनसंख्या पर मातृत्व मृत्यु दर है 230, 230। ध्यान दीजिएगा, प्रति हजार जनसंख्या पर भारत में जन्म दर 22.1, मृत्यु दर 7.3, शिशु मृत्यु दर 43, मातृत्व मृत्यु दर प्रति लाख जनसंख्या पर 212। छत्तीसगढ़ में प्रति हजार जनसंख्या पर जन्म दर 24.5, मृत्यु दर 7.9, शिशु मृत्यु दर 47, प्रति लाख जनसंख्या पर मातृत्व मृत्यु दर 230। तो ये हमने डिस्कस किया भारत तथा छत्तीसगढ़ की जनसंख्या का जनगणना 2011 के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन।